जमशेदपुर की साक्ची पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में गिरोह के सरगना समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 19 चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना वर्मा माइंस राजीव भगत उर्फ आडू, राजन दास टेलको महानंद बस्ती निवासी, रोनी दीप उर्फ पोलियो, विशाल दास और शंभू पासवान शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मास्टर चाबी भी बरामद किया है, जिसे चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रविवार को सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने साक्ची थाना में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों साक्ची से एक स्कूटी की चोरी हुई थी, जिसे गाड़ाबासा के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से राजीव को हिरासत में लिया, उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जानकारी मिली कि बाइक चोरी करने के बाद सभी विशाल, रोनीत और शंभू के पास 3 से 5 हजार में गिरवी रख देते थे। इसी बीच विशाल, रोनीत और शंभू चोरी के वाहन को ज्यादा दामों में बेचकर रुपये को आपस में बांट लेते थे। इन लोगों ने अब तक चोरी के 30 से 40 बाइक को बेच दिया है। तो ये दोनों लोग अलग अलग जगह से, खासकर बाजार इन सब जगहों से बाइक्स को उठाते थे, और बाकी जो 3 लोग हैं, शंभू पासवान, विशाल सिंह और रोनीत सिंह, इन तीनों के पास से बाइक्स को बंधक बना के रख देते थे। इस दौरान अगर जो बंधक रखी हुई बाइक है, अगर ये लोग उसको अच्छे दाम में बेचने में सफल होते थे, तो फिर उसका जो भी पैसा इनको प्राप्त होता था उसको आपस में ये लोग बांट लेते थे। गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों का और पता चला है, जिसकी जानकारी तो अभी बराबर छापामारी की जा रही है। जैसे बंधक ये यूजुअली 5 से 6 हजार रुपया में बंधक रखते थे, इसके बाद जितना भी पैसा उसको अगर 5-6 हजार रुपये से ज्यादा बिकती थी गाड़ी, तो ये दोनों आपस में बांट लेते थे।